सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गए एक नया ब्लॉग। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी जस्ट सोकर उठा हूँ। और आज जो है ना, हमारी कॉलेज की तरफ से इंडस्ट्रियल विजिट जा रही है। तो मे भी मेरे सुनने में जो आया था वो यहाँ से हम जाएंगे, पागवाड़ा कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ जाएंगे। और बाकी कन्फर्म नहीं पता है, वो हमें कॉलेज जाके पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं भी जो है जल्दी से चलता हूँ, नीचे नहाता हूँ, धोता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ मैं कॉलेज। चाय, ओट, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, चाय और साथ में है नमकीन ओट्स। यहाँ पर हमारे ये सोनू भाई आते हुए, चलो बैठे यहाँ। हमारा ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया, सफर कर रहे हो तो पैदल निकल जाओ। मैं तो टाइम से पहुंच गया था कॉलेज 9:15 बजे के लगभग। और जिस टाइम मैं पहुंचा था उस टाइम सारे बच्चे नहीं आए थे, 9:30 बजे तक सभी बच्चे आ गए थे। पर उसके बाद भी हम यहां से निकले थे 10:30 बजे। तो दोस्तों, जहाँ हमारी साइड विजिट थी वहाँ पहुँच चुके हैं JMR पर, और हम भी यहाँ से उतर रहे हैं बस। तो यहाँ पर ये जो JMR, यहाँ पर जो है सारी ये मशीनें हैं, मिक्सचर। यहाँ पर धर्म कांटे पे जो है ना, प्रियांशु अपना वजन तोलते हुए। अब ये गए हमारे अनस भाई, 70 होगा 70। ये बिल्कुल एक्यूरेट। हेमेंद्र 85 75 70। कितना है बे? 100। ऊंचा 50 होगा 55। यहाँ पे ये करने आए हो यार। और यहाँ पर पानी आता हुआ, यहाँ पर ये बिस्लेरी की बोतल मिलती हुई। अबे ये बड़े हैं, क्यूब टेस्ट। यहाँ पर ये वो हो रही है ना, क्या बोलते हैं, क्यूब है ये, क्यूरिंग हो रही है क्यूबों की। कल के ये रहे देख, इधर गाय। यहाँ पर विशाल भाई उनको सहलाते हुए, और ये हमारे सुमित भाई। यहाँ पर हमारे सिविल ब्रांच की फोटोग्राफी होती हुई। ये मिक्सचर है यहाँ पर। हाँ भाई तुम भी जाओ। यहाँ पर ये JCB में सभी बैठते हुए। इसमें फीड करने के बाद में हम आपको साइकिल दे देंगे।
नहीं नहीं जो हमने डाला है सर ये क्या ऐड कर रहा है जैसे क्यूबिक मीटर का मैंने बताया ना कितना 10 एमएम डालना है कितना 20 डालना है कितना क्वोशेंट तो इसी हिसाब से हम इसे डाल के और कितना क्यूबिक मीटर हमें लेना है हम इसे फीड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही सर जैसे हमने ये कमांड दे दी है ये कमांड दे दी है ऑटोमेटिक जितना भी हमने इसमें क्यूबिक मीटर दिया है उतना क्यूबिक मीटर ये अपने आप ही निकाल रहा है। ये मिक्सर गेट रिसाइकल चालू हो गई ये वाटर लेगा ऑटोमेटिक 10-20 सब ये ऑटोमेटिक वाटर उसमें से लेगा जो हमारा वाटर ऊपर एग्रीगेट्स और सैंड एग्रीगेट्स लेगा ऊपर सीमेंट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक लेगा इसके यहाँ फिलिंग होते ही ये मटेरियल फिल होगा बाई कन्वेयर बेल्ट चलिए ये इधर मशीन है कंक्रीट बैचिंग प्लांट कंट्रोल की और इधर आ जाती है कन्वे बेल्ट। अच्छा कंक्रीट मिक्सचर वो कहाँ से आता है मटेरियल इसमें जो आएगा बेल्ट द्वारा मटेरियल आएगा बेल्ट इसमें। अच्छा इधर है इनलेट इसमें सीमेंट आता है सीमेंट इसमें हाँ। इसके ऊपर जो जार है शीशे का हाँ इसमें केमिकल है ठीक है प्लास्टिसाइजर वगैरह और इसमें क्या है इस वाले सिलेंडर में इसमें जी इसमें पानी आता पानी पानी आता है ना इसमें इसमें दिख तो नहीं रहा कि इधर से कहाँ से आ रहा होगा झुकना पड़ेगा ना आप इसने हेड में रहोगे तो झुकना पड़ेगा। अच्छा यहाँ है इधर हाँ है तो स्पेस ये रहा यही ना वो देखना तो क्या देख ये गेट खुल गया ऑटोमेटिक टाइमिंग के हिसाब से मैं फिर जब बाहर जाना हूँ बंद भी हो गया अपने हिसाब से। अब ये बेल्ट चल गई यानी एग्रीगेट आ रहा है पानी डिस्चार्ज होने लग गया इस टाइम हमने ओनली फॉर पानी ले रखा है पानी आ गया पहले से पानी आएगा इसमें मतलब मटेरियल अगर लिया होता तो मटेरियल भी आता है। सर ये कौन सी है ये लॉस एंजेलिस है यहाँ पे एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्ट कैंसर करते हैं। सर ये कौन सा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है क्यूब जो टेस्ट होता है क्यूब टेस्ट क्यूब रखिए वहाँ पे मास स्टेबिलिटी टेस्ट सर क्या होगा इससे विटामिन की टेस्टिलिटी के लिए होता है किसके लिए सर विटामिन के लिए रोड में काम आएगा ना वो बाकी कौन सी मशीन है प्लंजर है ये तो क्या क्या हीटर सर इस हीटर का क्या काम होता है अच्छा अच्छा ये ओवन तीन लेयर में भरा जाएगा 100 MMQ 110 वाट डाला ट्रू आया ये तो ट्रू स्लम
दोस्तों साइड विजिट जो हो चुकी है और यहाँ जो है बहुत मज़ा आया हमें, और अब निकल रहे हैं हम कॉलेज के लिए वापस। ये रहे हमारे आमिर सर, शेखर सर और आरुषि मैम जो हमारे साथ आए थे, तीन टीचर हमारे साथ आए थे। बच्चे सिविल की जो गायब थे उनके समोसा से टोमेटो करने वाले थे। तो घर भी जो है पहुंच चुके हैं और भूख जो है लग रही है, ये थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट ही होता है वहाँ पर भी जहाँ हम साइड पर गए थे, तो और मज़ा आया था। बस ये था, थक गए कुछ ज़्यादा ही आज वहाँ पर, और अभी नीचे चलते हैं खाना खाते हैं। और आज मैं ये सोच रहा हूँ कि बैडमिंटन खेलने भी जाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच ही रहा था कि बैडमिंटन खेलने जाया करूँ, जैसे मैं पहले जाया करता था ना अपने कॉलेज में बैडमिंटन खेलने, तो वही सोच रहा था। तो रोज़ यही होता था जाऊँ जाऊँ जाऊँ, फिर वही किसी काम में बिजी देखता हूँ अभी। और अभी जो है फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो फ़ोन को जो है चार्जिंग पे लगा के मैं निकलता हूँ नीचे। A few moments later. अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज बैडमिंटन खेलने के लिए, लगभग 2 या 3 महीने बाद जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब गया था ना तो दिसंबर में लग गया था मैं, और अब हो गई है मार्च, तो 2-2.5 महीने हो चुके हैं इतने दिनों बाद जा रहा हूँ। तो रेडी होते हैं और निकलते हैं। जा रहा हूँ मैं बैडमिंटन खेल के एक घर, और ब्लॉग होकर दी एंड। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।